वेलकम टू द रन ऑफ कच्छ। ये कहानी यहाँ से कभी शुरू ही नहीं हुई। 8 साल पहले दूरदर्शन पे एक एड आती थी गुजरात टूरिज्म की। वहाँ पर अमिताभ बच्चन जी आके बोलते थे, आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बस ये कहानी को चिंगारी वहीं से मिली, पर वक्त गुजरते वो चिंगारी बुझने को आई थी। और उसी वक्त मुंबई का निकल का ये वीडियो सामने आया। और फिर क्या, वो चिंगारी आग बन गई। यू नो यू नो। और हम अहमदाबाद पहुंच गए थे 8 बजे, और 2 घंटे थे हमारे पास, और हमारा डिनर भी बाकी था, और सामने ही मैकडॉनल्ड्स था। हाँ, ये वही मैकडॉनल्ड्स है जहां पर हमने पहले वीडियो शूट किया। फिर क्या, उधर गए, डिनर किया और 2 घंटा टाइम पास किया। फिर हम निकल पड़े जहां से बस हमको पिक करना आने वाली। लेकिन वहां जाके मालूम पड़ा कि आपकी बस आधा घंटा और लेट है। वो आधा घंटा और इंतजार किया और फाइनली बस आ गई। मैं ऐसे लोगों के साथ सफर पर निकल पड़ा था जहां वो मुझे नहीं जानते थे और ना मैं उन्हें। लेकिन अनजान लोगों के साथ सफर करने का मजा ही कुछ और है। लिख के ले लो। सारी रात सफर करने के बाद हम सुबह 6:30 बजे पहुंच गए बुजियो पॉइंट। और यहाँ पर हमें बिना ब्रेकफास्ट के 2 किलोमीटर का ट्रैक करना। पर यहाँ भूख की किसी परवाह नहीं, हम तो यहाँ आए फिर के लिए। और वहाँ पर पहुंच के हमने हमारी ट्रिप का पहला सनराइज देखा। हालांकि हम लेट हो चुके थे और ना मेरे पास ट्राइपॉड था, लेकिन जो भी टाइम लेफ्ट बना है। वहाँ से और ये पूरा ट्रैक करके वहाँ तक जाना है। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाल इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला मुझे किस किस ने क्या क्या कहा भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा मैं एक बादल में चलता रहा गगन बरस पड़ा तो आवा उसके बाद हम निकल पड़े अपनी कैंप साइट की ओर। वहां पर जाकर हमें पता चला कि हमारे लिए पूल पार्टी रेडी। फिर गया, सारी मछलियां पानी में। यकीन नहीं होता, आप खुद ही देख लीजिए। और हाँ, ये मैं बता दूं कि आपके भाई को तैरना नहीं आता तो कोई भाई को जज नहीं करेगा, ठीक है? बस करना है तो कर लो, ये आपकी मर्जी है। पूल में रहने के बाद हमें भूख लगी तो हमने लंच कर लिया और उसके बाद हमारी मीटिंग थी कि आगे का क्या प्लान होगा। और इस द प्लान नेक्स्ट एडवेंचर एक्टिविटी। देखो, ये सब मैंने पहले सिर्फ टीवी या मोबाइल पे देखा था और ये मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाला था। वैसे फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा डर था, बट ऐसे वक्त पे किसी नेस्टेड का एक क्वोट है जो मुझे हमेशा काम आता है, डू व्हाट यू कैन। और फिर क्या, सब आसानी से होगा।
no pity. Me a tell her no pity. Any time when me get it, it's gonna be alright. You're taking it full flight, you're doing this all night. But if I wanna be contigo, live contigo, and dance contigo, जिपलाइन का जो एंडिंग जहाँ पे लैंड होता है वो क्रैश से कम नहीं था, लेकिन वो भी हमने कर लिया। मसला तब हो गया जब नीचे आके मैंने देखा कि वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और दूसरी बार कोई एक्टिविटी करना अलाउड नहीं था। वो तो भला उस देव मनुष्य का जिसने ये रिकॉर्ड कर लिया। तो हम आपको दिखा सकते हैं कि यह आपका भाई जिपलाइन करके आया। और शाम को 5:30 to 6:30 तक का जो टाइम था वो था कैंप साइट एक्सप्लोर करने का। Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. You can tell me that you want me, girl. You got nothing to lose. I can't wait no more. Ya no puedo más. I can't wait no more. Ya no puedo más. She a girl love me, I said it. Cause you know, say me no pity. Me a tell her not to fret it. Any time when we get it, it's gonna be alright. You're taking the full flight. You're doing this all night. फिर 6:30 to 7:30 तक हमको गेम खिलाया गया, लेकिन वहाँ पे मुझे फील हुआ कि रिश्ता वही सोच नहीं, वो वाला सीन था वहाँ पे, क्योंकि गेम्स वही पुरानी वाली थी लेकिन उसको एक रिच लुक देने के लिए इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन उसकी जो पनिशमेंट थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर कोई लड़का आउट होता है तो वो कैटवॉक करेगा, अगर कोई लड़की आउट होती है तो वो करेगी मुन्ना भाई की स्टाइल में वॉकिंग। गेम्स खेलने के बाद हमने डिनर किया और उसके बाद था कैंप फायर, जहाँ पे लोगों ने अपनी स्टोरीज शेयर करी और सर ने बताया कि नेक्स्ट डे का क्या प्लान होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा दिन खत्म नहीं होता। अगर आप गुजरात में हो और आपके साथ गुजराती हो और गरबा ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? इट्स लाइक आप टर्की गए और आइसक्रीम खाए बिना वापस आ गए।